कि श्रीनगर में आज वोटिंग हो रही है और श्रीनगर की सरजमी से ही हम आपको बताएंगे कि किस तरह से यहां पर मतदान शुरू हुआ है। लोग घरों से बाहर निकलना शुरू हो गए हैं और पहला वोट भी डाल दिया गया है। पैरापुरा सबजार अहमद डार ने जो 32 साल के उन्होंने अपना वोट कास्ट किया है। इसके अलावा अगर चौवन की बात की जाए तो वहां पर भी 20 साल के एक मतदाता ने अपना वोट कास्ट किया। तस्वीरें देखिए आना शुरू हो गई हैं। चप्पे चप्पे से हम आपको अपडेट्स बताएंगे, डिटेल्स बताएंगे कि किस तरह से लोग मतदान की प्रक्रिया में हिस्सा ले रहे हैं, क्योंकि कश्मीर की श्रीनगर, सेंट्रल कश्मीर में आज चुनाव हो रहा है। श्रीनगर पार्लियामेंट हल्के में आज मतदान हो रहा है। यहाँ पर 17,24,000 से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करके, इरफान का रुख कर लेते हैं। इरफान, क्या तस्वीर है, क्योंकि शुरू हो चुकी है मतदान की प्रक्रिया? खामखा ये रखा है, यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आता है। जी जसमीन जी, आपका सवाल मुझसे था, मैं बताना चाहूंगा कि देखिए लगभग 7 तो बज चुके हैं। जी 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 बिल्कुल, देखिए 7:15 हो गए हैं, यानी कि लगभग जो है 15 मिनट का जो वक्फा है वो गुजर चुका है। पोलिंग का जो अमल है वो शुरू हो चुका है, लेकिन जिस जगह पर हम मौजूद हैं पारेपुरा में, अगर बात कर ली जाए सल्फिया मुस्लिम इंस्टीट्यूट में, उस यहाँ पर जो है पोलिंग का अमल अभी तक जो है वो शुरू नहीं हुआ है। एक साहब जो है वो वोट करने के लिए यहाँ पर आए हुए थे। क्या बात है, क्या कहा जा रहा है, आखिर वोटिंग का मामला अभी तक शुरू नहीं? अभी अभी ये कह रहे हैं यहाँ पे भी और वहाँ पे भी वो खराब मशीन है, और यहाँ पे ठीक है, ये वाली ठीक है, बाकी वो जो है ना दो ये खराब है। अभी देखेंगे कब ठीक कर रहे हैं, ये उन्होंने मैकेनिक शैकनिक लाए है, अब देखेंगे क्या करेंगे ये, इनको क्या तो बात है। जी जी, तो आपसे क्या बोला गया, बात जो हुई अभी तो वोट नहीं डाला है, अभी तो ऐसा ही रखा है जी, अभी तो इस स्टेशन पर एक भी वोट नहीं पड़ा है। नहीं नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, अभी कोई नहीं वोट पड़ा। जो वहाँ अंदर ऑफिसर से बात हुई, उनका क्या कहना है? वो उनका यही है कि मशीनें खराब है, मशीनें खराब, ये मशीन खराब है और वो मशीन खराब, ये तो ठीक है। तो जैस्मिन, जो चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं वो ये है कि दो, जी जी बिल्कुल, कि दो बूथ की जो जो मशीन है वो ख़राब है यहाँ पर, और इसी वजह से जो यहाँ की वोटिंग है ठीक है ठीक है। इरफान, क्योंकि ये टेक्निकल चीज़ें हैं, अब ईवीएम खराब है, इसे ठीक होने में कितना वक्त लगेगा ये नहीं कहा जा सकता फिलहाल, लेकिन लोगों के पहुँचने का सिलसिला शुरू हो गया है। हालांकि जिस पोलिंग स्टेशन पर आप हैं अभी तक वहां पर वोट नहीं हुआ। बिलाल खान हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी बिलाल, पहला वोट डाल दिया गया है, क्या कुछ जानकारियां और क्या लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है? बिलाल देखिए, हम इस वक्त है नायरा, जो मेरे पीछे पोलिंग बूथ आपको दिख रहा है, तो ये वहीदुर रहमान परा जो है उनका आबाई इलाका है। तो यहाँ पर सुबह से ही हमने देखा कि 6 बजे से ही लोग इंतजार में थे, और उसके बाद जो शुरू हो गई है, जो आप देख रहे हैं पीछे जो खवातीन हैं और लोग जा रहे हैं अपना वोट जो है कास्ट करने के लिए, काफी गहमा गहमी देखने को मिलेगी जितने भी दिन आगे आगे बढ़ेगा। तो काफी, क्योंकि आज कल यहाँ बारिशें हो रही थी, तो फिलहाल तस्वीरें दिखा पाएंगे क्या? जी 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 जी, मैं आपको दिखाऊंगा कि जो अभी जो वोटिंग का सिलसिला है वो शुरू हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ ये आप देख रहे हैं, ये पोलिंग बूथ है, पोलिंग बूथ के बाहर जो है लोग इस वक्त खड़े हैं। सुबह से ही लोग यहाँ पर आने शुरू हो गए हैं, और यहाँ पर जो गहमा गहमी भी देखने को मिल रही है, क्योंकि लोग नौजवान इसमें पहले हमने सुबह 6 बजे यहाँ नौजवानों की काफी ये लोग वोट कास्ट करके आ रहे हैं यहाँ पर। तो सिक्योरिटी के भी इस बार का अच्छे तो इंतजाम दिखा रहे हैं, पुलवामा से तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए देखिए, यहाँ पर कतार इसमें लग गई है। तो ये तस्वीरें देख रहे हैं आप पुलवामा से, जो हमारे सहयोगी बिलाल दिखा रहे हैं पुलवामा, क्योंकि बहुत संवेदनशील हाँ यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये अच्छी तस्वीरें हैं। जब पोलिंग स्टेशन पर इस तरह से भीड़ देखने को मिले, मतदान केंद्रों पर इस तरह से लंबी लंबी कतारें देखने को मिले, ये तस्वीरें बेहद खूबसूरत होती है कि लोकतंत्र के इस महापर्व में
लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। देखिए यहाँ पर लोग पहुंचे हुए हैं और अभी 15 मिनट का वक्त सिर्फ हुआ है, 7:18 मिनट हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर लोग किस मात्रा में पहुंचे हैं मतदान करने। देखिए ये श्रीनगर पार्लिमानी हल्के के पुलवामा डिस्ट्रिक्ट की तस्वीरें हैं और पुलवामा क्योंकि सेंसिटिव पोलिंग बूथ भी वहां पर है, मैक्सिमम पोलिंग बूथ को सेंसिटिव पोलिंग बूथ घोषित किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर देखिए लोग कितने घरों से बाहर निकल रहे हैं। तो शायद ये कहना गलत होगा कि ये सेंसिटिव पोलिंग बूथ है, ये कोई सामान्य पोलिंग बूथ ही है जहां पर लोग बढ़ चढ़ कर पहुंचे हुए हैं और मतदान करें। बिलाल पॉसिबल है क्या लोगों से बात करना, वहां पर मुद्दों पर जरा बात करें? कोशिश करेंगे किसी से बात करने की। हाँ, हाँ जी हाँ जी। तो हालात पीछे रोजगारी मसल कन कहें दिल कह जी। यहाँ आप देख रहे हैं कि लोग इस वक्त बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा ले रहे हैं, लोगों में काफी उत्साह है इस बार वोटिंग वोट करने के लिए और लोग चाहते हैं कि वो अपना नुमाइंदा यहाँ पर चुने और अपना वोट कास्ट करे ताकि उनकी बेहतर नुमाइंदगी हो और जो उनके मसाइल है उनकी तरफ तवज्जो दी जाए। तो यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिलाल, अगर राजनीतिक दृष्टिकोण से बात की जाए यानी कि पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से अगर बात की जाए तो वहीदुर रहमान पर्रा को यहाँ पर एज मिलता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि सिंपथी भी काफी हद तक उनके साथ है। पीडीपी ऐसा माना जा रहा है कि यहाँ से काफी हद तक वोट खींचने में सफल हो सकती है। बिलाल जी जी जी, जो पीडीपी का जो साउथ कश्मीर पहले ही पीडीपी का यहाँ पर काफी गढ़ माना जाता है और पुलवामा की चारों जो असेंबली सेगमेंट्स है वो पीडीपी के पास थी, तो पीडीपी का ये हब माना जाता है पुलवामा डिस्ट्रिक्ट। तो इसलिए यहाँ पर जो पीडीपी को काफी उम्मीद है कि इस बार जो वोट शेयर है वो काफी बेहतर मिलेगा यहाँ पर पीडीपी को, तो ये देखने को यहाँ पर मिल रहा है। और यही वजह है कि आज सुबह 6 बजे से ही हमने देखा कि लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, तो 7 बजे जो वोटिंग शुरू हुई तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वोटरों की तादाद काफी खासी अच्छी है इस पोलिंग बूथ में। जी बिल्कुल, और बेहद खूबसूरत तस्वीरें बिलाल, यहाँ पर लोग पहुंचे हुए हैं मतदान की लाइनों में लगे हैं, ये सुखद तस्वीरें और यही देखना चाहती है जनता, यही देखना चाहता है देश के। कश्मीर जैसे चुनावों के दौरान जब कश्मीर का जिक्र होता था तो कहीं ना कहीं विवादों से नाता होता था, लेकिन आज वो इतिहास बदल रहा है, वो इतिहास आपके पीछे में बदलते हुए देख पा रही हूँ। और दर्शकों को मैं ये कहूंगी, श्रीनगर की जनता से मैं ये कहूंगी कि अब बढ़ चढ़ कर घरों से बाहर निकलें और मतदान करें और इस इतिहास को, इस काले दाग को बदलें। आज आपके पास एक मौका है। और अगर हम इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं सोनावारी से, साजिद सोनावारी में किस तरह की तस्वीरें बन रही है और क्या लोगों के पहुंचने का सिलसिला वहां पर शुरू हो गया है? साजिद जस्मीन, अगर आपको मेरी आवाज पहुंच रही है तो मैं इस वक्त श्रीनगर के मजाफाती इलाके पंजीनारा से रिपोर्ट कर रहा हूं। श्रीनगर का ये मजाफाती इलाका है पंजीनारा का, तो यहां पे जो है वोटिंग के हवाले से जो गहमा गहमी है वो देखने को मिल रही है। जिस तरह से वोटिंग का अमल सुबह 7 बजे शुरू हुआ कुछ मिनट पहले, तो उसके साथ ही यहाँ पे लोग घरों से बाहर आना शुरू हो गए और यहाँ पे जो पोलिंग स्टेशन है उनके बाहर यहाँ पे कतारों में अपनी बारी का इंतज़ार करते देखे जा सकते हैं। अगर यहाँ पे मैं आपको दिखाना भी चाहूँगा, ये पोलिंग स्टेशन है पंजीनारा का, आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे जो वोटरान हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं और अपनी अपनी बारी का इंतज़ार करते देखे जा सकते हैं। कुछ ख्वातीन भी हैं और एल्डरली एज लोग भी हैं, वो भी यहाँ पे हैं और अपना अपना तो जो बात करें प्लीज साजिद। मैं चाहूंगा किसी वोटर से मैं बात करूं, यहाँ पे है एक क्या बिल्कुल। तो सोनावारी से ये तस्वीरें हैं, साजिद यहाँ पर मौजूद है पोलिंग स्टेशन पर और कोशिश करेंगे यहाँ पर लोगों से बात करनी। हालांकि सिक्योरिटी के इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं लेकिन उसके बावजूद भी बढ़ चढ़ कर लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। आप देखिए मतलब क्या मसाइल हर कुछ जाए
امے موجود مطلب صبح ہیکو امس گھس دپس یت پہ مسلہ امے موجود پن کام اندران خاطر باقی کیا چلو شکریہ آج تر مطلب دہ وہر ووٹ حس اچھا بالکل آج اس خوش آج ترس ووٹ سوری پبلک خوش پن امیدوار چنو انشاء اللہ باقی وسلم बिल्कुल बिल्कुल साजिश। तो यहाँ पर लोग खुश हैं और बाहर निकल रहे हैं और कह रहे हैं कि बदलाव के लिए वो वोट करेंगे। और आबिद ने, हमारे सहयोगी ने, एक और ऐसे ही पोलिंग बूथ का जायजा लिया है, दर्शकों को दिखाते हैं। जिस घड़ी का इंतजार था वो घड़ी अब आ गई। लोग घरों से बाहर आए हैं और अपने हक रायदही का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम अभी एक पोलिंग स्टेशन पर है, आप मेरे आसपास देख रहे हैं, लोग कतारों में निकलकर आए हैं, सुबह सुबह अपने घरों से अपने वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं ये लोग, क्योंकि जिस तरह से अंदाजा लगाया जा रहा था, जो मुतवक्का था, लोग भारी तादाद में घरों से बाहर निकलकर आएंगे और अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। यहां पर वोटिंग का अमल शुरू हो चुका है और लोगों की कतारें भी हम दिखाएंगे। थोड़ा सा वीजे आपको ये कतारें दिखाएगा, क्योंकि सुबह का माहौल है और जिस तरह से आपने इसे पहले भी देखा था, लोग आ रहे थे, यहां पर इंतजार कर रहे थे, लेकिन अब यहां पर पोलिंग का अमल शुरू हुआ है और लोग कतारों में यहां पर जमा हुए हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि कब इनकी टर्न आएगी, ये अपने हक रायदही का इस्तेमाल करेंगे। ये बात वाजह है, आज लोग घरों से निकलकर आएंगे और बारी तादाद में लोग वोटिंग करेंगे। न्यूज 18 के लिए बड़गाम से मैं आबिद हुसैन। तो आपने ये तस्वीरें बड़गाम से देखी, जहां लंबी लंबी कतारें नजर आ रही है। सोनावारी से हमने आपको तस्वीरें दिखाई, लंबी लंबी कतारें नजर आ रही हैं। पुलवामा से हमने आपको तस्वीरें दिखाई, वहां पर भी लंबी। तो जैसा कि ये कहा जा रहा था कि लोग इस बार घरों से बाहर निकलेंगे और यहां पर भारी भरकम मतदान की उम्मीद की जा रही थी। 14% 2014 में मतदान हुआ था, ये आंकड़ा बदलेगा और भरपूर यहाँ पर मतदान होगा, लोग घरों से बाहर निकलेंगे। और क्योंकि लोगों ने ही नहीं मन बनाया, बल्कि चुनाव आयोग को भी कहीं ना कहीं इसका क्रेडिट जाता है, श्रेय जाता है कि लोगों को अवेयर करने के लिए, लोगों को वो उत्साह और वो भरोसा और वो एक कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस देने के लिए कि चुनाव आयोग ने तैयारियां पुख्ता कर ली हैं। चाहे दिव्यांगों की बात की जाए, बुजुर्गों की बात की जाए, उनके लिए कई व्यवस्थाएं की गई हैं, महिलाओं के लिए स्पेशल पिंक पोलिंग बूथ्स बनाए गए हैं, युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए ताकि वो मतदान में ज्यादा से ज्यादा हिस्सा ले सके, इसके लिए वहां पर कोशिशें की गई हैं। तो और वो बदलाव, वो कोशिशें यहाँ पर नजर आ रही हैं। लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, मतदान कर रहे हैं। और क्योंकि श्रीनगर में वोटिंग हो रही है, तो कहीं ना कहीं जो कश्मीरी माइग्रेंट्स हैं उनके लिए जम्मू उधमपुर में भी व्यवस्थाएं की गई हैं, वो अपना वोट वहां पर कास्ट कर सकते हैं। उधमपुर में 300 से ज्यादा कश्मीरी माइग्रेंट्स हैं जो आज अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। जायजा लिया है हमारे सहयोगी राजन वैद ने, देखिए। आज चौथे फेस में श्रीनगर पुलवामा सीट के लिए जो पोलिंग है वो हो रही है और मैं इस वक्त उधमपुर के इलाके में मौजूद हूं। यहां पे भी एक पोलिंग स्टेशन बनाया गया है। लगभग 313 जो कश्मीरी पंडित विस्थापित समाज के जो वोट हैं वो है और आज यहां पे जो है वो अब वोट कास्ट किए जाएंगे। और लेकिन कई तरह के जो मुद्दे हैं वो भी कश्मीरी पंडितों के हैं। 3 दशक से ज्यादा का वक्त हो चुका है कश्मीरी पंडित समाज को विस्थापित हुए और कई तरह की उनकी भी जो आकांक्षाएं हैं, महत्वाकांक्षाएं हैं उनकी इस चुनाव से। और कई लोग जो हैं इस वक्त जो पोलिंग स्टेशन है वहां पहुंच चुके हैं और अपना वोट कास्ट करने के लिए। आप बताएं, आप वोट कास्ट करने आए कश्मीरी पंडित समाज के क्या क्या मुद्दे हैं जिन पे आप वोट कास्ट करेंगे? कश्मीरी काफी मुद्दे हैं हमारे, तो देखेंगे हम इस इलेक्शन के बाद हमारे साथ क्या होगा। ये तो फाइनल है, लोग तो आएंगे, अच्छी तरह वोट देंगे इस साल। तो उसके तो कब से आप यहाँ रहते हैं उधमपुर में और जब विस्थापन हुआ? 35 साल हो गए हमें। कई जो सब पार्टियां जो आपके पास आई वो सब ने कहा कि हम आपको वापस ले जाएंगे, क्या कुछ उसमें काम काज हो पाया? और जब जो भी जिसको भी आप वोट डालेंगे उससे क्या उम्मीद रखते हैं आप? हम उसके साथ बड़ी उम्मीद रखते हैं कि वो हमारा जो भी कोई जो हमें कोई स्ट्रक्चर जो बना है कश्मीरी माइग्रेंट को वापस लेने में वो उसमें मदद करे हमें।
तो कुल 313 वोट हैं यहाँ पे उधमपुर में और कई जगह पर जो है कश्मीरी पंडित समाज दिल्ली से लेकर यहाँ सब जगह जो है वोट डाल रहे हैं। आज कश्मीरी पंडित समाज क्या सोचता है अपनी वापसी को लेकर? वो उत्साह, बड़े उत्साह है कि हम कब वापस जाएंगे, गवर्नमेंट कब बोलेगी हमें वापस जाना है। अब वो सारे इसी तो आज पार्टिसिपेट काफी होगी, वोटिंग में काफी होगी, इतने सालों के बाद आज तो जो इलेक्शन कमीशनर साहब है तो उसने बड़ी डील दे दी। जो एम फार्म था हमारा 12 तो वो कैंसिल कर दिया, अब सारे हम वो डाल सकते हैं। तो आप आश्वस्त है कि जो भी हुकूमत, जो आपका पसंदीदा जो कैंडिडेट है जिसको आप वोट डालेंगे वो आपके लिए काम कर सकता है और वो जो दशा और दिशा है वो तय कर सकता है आपकी वापसी की? जी 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 100% वो फैसले कर सकते हैं। तो देख सकते हैं कि कश्मीरी पंडित समाज जो है वो उसको कई उम्मीदें हैं कि काफी सालों से, यानी कि 3 दशक से ज्यादा का वक्त हो चुका है ये विस्थापन जो है इस समय इनका जो हुआ है, तो अब इनको उम्मीद है कि जो भी हुकूमत आएगी जिसको भी ये चुन के भेजेंगे ये इनकी आवाज बुलंद करेंगे और जो घर वापसी का इनका सपना है वो भी पूरा होगा। कैमरामैन नारायण दत्त के साथ राजन वैद, न्यूज 18 उधमपुर।